जो मुनिसरत बाबा की नगरी के रूप में समूचे विश्व भर के लिए परिचित है, जिसे प्रतिष्ठान नगरी कहा जाता है, जिसे नाथ की भूमि कहा जाता है, ऐसे भूमि से हमारे बीच में पैठन नगरी से मंगलाचरण पैठन महिला मंडल की एक सदस्य यहाँ पर कर रही है। मैं निवेदन करता हूँ कि क्या हम पैठन चलते हैं और वहां से मंगलाचरण प्रारंभ होगा पैठन से। मेरे पास नाम शायद हमारे दीदी का पहुंच गया होगा, मैं एक मिनट में। दीपा जी मंगलाचरण सौभाग्यवती दीपा कपिल पहाड़े, दीपा जी कपिल पहाड़े यहाँ पर मंगलाचरण कर रही है पैठन से। दीपा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, दीपा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, दीपा जी हमारी बात को सुनिएगा, दीपा जी हमारी बात को सुनिएगा। वहां पर चार पांच मोबाइल एक साथ आपने चालू कर दिए हैं, आपकी आवाज सही तरीके से यहाँ तक नहीं आ रही है। एक ही मोबाइल को अनम्यूट कीजिएगा और मंगलाचरण के बाद तुरंत आप वहां पर प्रज्वलन नहीं करना है, उसके बाद और एक मंगलाचरण होगा और उसके बाद भी प्रज्वलन होगा। पहले मंगलाचरण करेगी हमारी सौ दीपा पहाड़े। हो गया जी, आपकी आवाज आ रही है, आप आइए, आप शुरू कीजिए। ये बंद कर दो। दीपा जी आप शुरू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जितने डिवाइस चल रहे हैं ना वो कर दो यानी। दीपा जी आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप प्रारंभ कीजिए, समय ना लीजिए। प्रवीण जी हाँ, हम दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा शुरू करो, इनको तब तक फोन पे बोल देते हैं। जी, आइए एक मंगलाचरण यहाँ औरंगाबाद में मेरे घर से ही प्रारंभ करते हैं। प्रवीण जी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में करो चालू, उनका दीप प्रज्वलन भी करवा लो। सीधा
प्रवीण जी शायद उनका नेटवर्क टूट चुका है। आज खुशी का दिन है और खुशी में झूमने का दिन है। आज हमारे बीच भारतवर्ष के ऐसे ऐसे गणमान्य उपस्थित है जिनको जैन समाज, समूचे भारतवर्ष के जैन समाज को गर्व है, स्वाभिमान है, क्योंकि जैन समाज की पताका को लेकर ये चलते हैं। अरे आप दीप प्रज्वलित कीजिए। बैठन महिला मंडल से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन कीजिएगा। पारस भाई संगीत चला दो, तब तक नहीं करेंगे शायद। आज संगीत कुछ अलग तरीके से होगा, आज हंसी का दिन है और संगीत भी धन्यवाद। आइए एक भक्ति और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सौभाग्यवती त्रिशला प्रवीण लोहाड़े औरंगाबाद से प्रस्तुत कर रही है। चलते हैं सौभाग्यवती त्रिशला लोहाड़े औरंगाबाद। आचार्य श्री 108 श्री देवनंदी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु नमोस्तु गुरु। ओ गुरु बर अब चिन्वानी की मधुर सुना दो ता, मधुर सुना दो ता। ओ गुरु बर अब चिन्वानी की मधुर सुना दो तान। मैं तो तेरी दरस दीवानी, मैं तो तेरी दरस दीवानी। तू खुद से अनजान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। राग द्वेष तज तूने
सबसे रिश्ते छोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाते तोड़ लिए, रत्नांत्र दान मुझे दो, रत्नांत्र दान मुझे दो, हो जाऊ धनवान, मधुर सुना दो तान, गुरुवर अब जिनवानी की, मधुर सुना दो तान, निश दिन तेरे द्वारे गुरुवर, ज्ञान की ज्योति चले, तुम दीपक की ज्योति गुरुवर, हम हैं दीप तले, अंतर मन की ज्योति जला, अंतर मन की ज्योति जला, दो मुझको बह ज्ञान, मधुर सुना दो तान, ओ गुरु बर बचिनवानी की, मधुर सुना दो तान। मस्त गुरु बोलिए, परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि जिस संत को हमारे जैन धर्म की गान कोकिला कहा जाता है, जो संत लगातार चारों संप्रदाय को एक करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, जो संत सभी जैनियों को सिर्फ जैन ऐसा परिचय देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, वे परम पूज्य मधुस्मिता जी महाराज साहब हमारे बीच उपस्थित है। आइए उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और हे माँ आपसे निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित है और आप सभा में है, और आपके मुखारविंद से यहाँ पर जिन भक्ति नहीं हो रही है ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः माता जी के श्री चरणों में निवेदन है कि वे कृपया यहाँ पर अपनी सुंदर आवाज में एक सुंदर सा भजन यहाँ पर जी। माता जी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी 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 आवाज आ रही है जी। आपसे निवेदन है माता जी, आपके चरणों में निवेदन है। आवाज कम आ रही है पारस भैया? आपके यहाँ से आवाज बढ़ाओ ना, आपके यहाँ से आपकी आवाज पूरी आ रही है हमको। बढ़ाए पर नहीं आवे, बढ़ाए ये बोलो पंथा को आवाज पूरा आवे, माने कई प्रॉब्लम नहीं, मानो आवे कई पूरा आवे एकदम व्यवस्थित आवे। पछ मैं बोलू कई? हो मैं आप सभी को आज माता जी को महाराज साहब मधुस्मिता जी महाराज साहब को जैन समाज की गान कोकिला यानी लता मंगेशकर कहा जाता है। बहुत शानदार भजन, एक हजारों भजन इन्होंने लिखे हैं और वो गाते रहते हैं हमेशा का। एक भजन आपका हम सुनने के लिए लालायित है। चालू करो आवाज आवे था को चालू करो। हाँ मारो आईडियो है, थानो नहीं आईडियो मैंने। एक मिनट है लगाओ, बोलो मैं लगा दे तो लगाओ। ये देखो वीडियो आवाज आवे है तो चालू करो। हाँ देखो आवाज आवे कहीं? हाँ एकदम व्यवस्थित आवे। हाँ थारो नहीं आवे मने। आज हमारे नासिक जिले में जो तीर्थ निर्माण हुआ, हमारे परम पूज्य सदैव आनंदी स्वभाव रखने वाले देवनंदी जी महाराज साहब, जो दो तीन बार हमें मिले हैं, हमने दर्शन किए पिंपल गांव में सुग्रस फाटा के आगे, इसलिए हमको उनका स्वभाव पता चला। और आज हमारी डॉक्टर सुषमा दुगड़ और जो हास्य क्लब की है राजेंद्र भैया
और पारस भाव लोहाड़े, इन्होंने कहा मन में तो था, मैंने एक छोटा सा निकाल के रखा था भजन, किंतु जैसे अभी आपने लगाया गगन सदन लता जी का कितना प्यारा गीत, अपन कहा वो कहा, परंतु समाज वालों को अपना एक आदर सम्मान रहता है, इसलिए मैं छोटा सा भजन तू पकड़ सुना रही हूँ। संघ का सुभाग है, मुनिवर का साज है, खुशियां मनाए आज हम, ये रिवाज है। संघ का सुभाग है, मुनिवर का साज है, खुशियां मनाए आज हम, ये रिवाज है। संघ का सुभाग है दिव्यता का ये समा, तप त्याग रंग है, हर एक दिल में देख लो कैसी तरंग है, हास्य के इस प्रसंग पे हम खुश मिजाज है। संघ का सुभाग है, जाने कहां से फल गया सपना समाज का, मेहनत से हमको मिल गया अवसर ये आज का, करके दिखाए हम सभी दिल की आवाज है। संघ का सुभाग है, बरसाओ फूल भाव के, गाओ उमंग से, बरसाओ फूल भाव के, गाओ उमंग से, आओ जियाओ प्रेम से, बदलो सुसंग से। देवनंद जी आप मिले हमको नाज है। संघ का सुभाग है, मुनिवर का साज है, खुशियां मनाए आज हम, ये रिवाज है। संघ का सुभाग है। इस प्रकार आज आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर ये दिन प्रारंभ किया है, और ये नौकार तीर्थ नाम ही कितना सुंदर आ गया है, और वो हमारे जन्मभूमि के पास, नासिक में जन्म हुआ, दीक्षा पिंपल गांव में हुई, और सुग्रस फाटा के आगे हमारा ये नौकार तीर्थ है। जब मूर्ति बन रही थी खड़गासन की, तभी हम वहां गए और पूछा था कि ये सारी आर्यिकाएं माताजी वहां पर थी, इतना सुंदर स्वागत किया उन्होंने हमारे। हम लोग लासल गांव से आ रहे थे और विहार करते करते हम लोग अंदर गए कि अपना है, जैन है, अपने को जाना है। मुनिवर जी वहां पर नहीं थे, परंतु सभी माताओं ने हमारा बड़ा ही सुंदर स्वागत किया,
इसलिए आज तक हमारे दिल में वो अमिट छाप है और हमारे महाराज साहब के मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे सुषमा दीदी को, राजेंद्र भैया और पारस भैया को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टिसिपेंट करने के लिए। अब आपका शुरू करें। और बड़ा आनंद आया कि 2013 में ये हास्य दिन शुरू हुआ और इतना फैल रहा है लाखों करोड़ों लोग, और हमारे मुनिवर की तबीयत अच्छी रहे, उनकी शुगर कम हो जाए, तो अपना ये हास्य दिन मनाना सार्थक होगा। सभी कामना करें, उनको रेकी दे कि उनकी तबीयत एकदम अच्छी हो जाए और उनकी शुगर एकदम नॉर्मल आ जाए। मथे वंदा महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। दयावान क्षमावान और दंडदाता, वर्तमान में ये धीर वीर लगते हैं जी, हृदय में लोक कल्याणकारी भाव के गौतम कबीर कोई वीर लगते हैं। तो सुंदर बोल कर लेते हैं ये धारण तो ममता में जो तस्वीर लगते हैं जी, सत पथ पर सदाचारी साधना में लीन मुनि रूप में थे, मुनि रूप में ये महावीर लगते हैं। परम पूज्य सरस्वती मात्र 5 वर्षों नमोकार तीर्थ जैसे स्वर्ग का निर्माण परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा में हुआ, उनके मार्गदर्शन 5 साल पहले यदि हम नमोकार तीर्थ की भूमि पर पहुंचते थे तो वहां पर बिल्कुल बंजर भूमि नजर आती, बड़े बड़े टीले बड़े बड़े पत्थर वहां पर नजर आते, उबड़ खाबड़ जमीन वहां पर नजर आती थी। लेकिन जब 5 साल के बाद हम नमोकार तीर्थ पर पहुंचते हैं तो लगता है जैन धर्म की परिचायक स्वर्ग भूमि यहाँ पर बन रही है। आइए चलते हैं नमोकार तीर्थ पर। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और हे स्वामी, इस लॉकडाउन के काल में आपके आज कम से कम 250 से ऊपर प्रवचन हो चुके हैं, लेकिन मैं चिराग भाई को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इन 250 प्रवचनों में एक दिन भी दोबारा विषय नहीं आया है। ये परम पूज्य सारस्वताचार्य की विशेषता, इन्हें मंत्र संहिता का बेताज बादशाह कहा जाता है, शब्द शायद मेरे सामने लेकिन वास्तविकता है। आइए मंत्र विजयाशर की जो हमारी एक साधना चल रही है, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं, हे स्वामी कोरोना काल में आपका आशीर्वाद ही हमारा संपद है, अतः वो आशीर्वाद हमें प्रदान। बोलिए परम पूज सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। कौन नमस्कारम अरिहंताणम तयेव सिद्धाणम आयरिवध्यायाणम लोयम मिया सर्वस्थाभूणम जय मंगल भूताणम विमनानम नानदंशन्मयानम त्रिलोक्य सेहिराणम नमो सया सर्व सिद्धाणम। महावीर भगवान की जय। आचार्य पर्वत श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय सर्वप्रथम मैं शिव के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को एवं जिन्होंने हमारे लिए यह खुशियों भरा जीवन प्रदान किया है मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर के, सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, सदा हंसते रहो का आशीर्वाद जिन्होंने प्रदान किया है, ऐसे परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए। हंसना ये पुण्य का फल है और रोना ये पाप का फल है। ये आप सोचिए कि हमें जब मनुष्य जन्म ही पुण्य से मिला है तो इस पुण्य के जीवन में हम रोए क्यों, अपने क्षणों को हम व्यर्थ गमाए क्यों, हम क्यों ना अपने जीवन में इस मनुष्य जन्म को जब पुण्य से मिला है तो पुण्य में थोड़ा सा और, जैसे कि हम दूध में दूध मसाला डालते हैं तो दूध और भी स्वादिष्ट लगता है, ठीक इसी प्रकार से इस पुण्यमय जीवन में यदि हम थोड़ा सा इसमें हंसी का और मसाला डाल दें, आनंदित रहो, खुश रहो, सदैव हंसते रहो, तुम्हारे जीवन की
दिन दुनी रात चौगनी अभिवृद्धि होगी। कोरोना कोरोना का भूल जाओ कम, कोरोना का भूल जाओ कम, आओ महावीर के सिद्धांतों को लेकर के खुलकर हंसेंगे हम, महावीर के सिद्धांतों को लेकर के खुलकर हंसेंगे हम। हंसना सीखो, रुलाना पाप है, हंसाना पुण्य का काम है। हमने जग की है जब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। आज उस गम को भूलना है और हमारे लिए दस को हंसाना है। यह सूत्र आज भी हम इन कलाकारों से प्राप्त करेंगे। अभी हमारे बीच में हमारी जैन समाज की श्रेष्ठ साध्वी श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब अपने आनंद के खुशियों के क्षणों को हम हमारे बीच में दोहरा रहे थे। मैं डॉक्टर प्रीति सुधा जी महाराज साहब से बहुत पहले से परिचित हूँ। जब मैं उनके लगभग ये बात है 1994 की, उनके पैतृक नगर पिंपल गांव में गया और परिवार जनों के उसी घर पर ही मैं रुका था, उसी घर पर ही मेरी आचरिया सारी की सारी संपन्न हुए थे। तब मुझे लगा कि ये परिवार कितना पवित्र कितना अच्छा परिवार है, इसे ऐसी खुशियां ऐसा आनंद का क्षण कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि महाराज साहब हमारे घर से हमारे प्रीति सुधा जी मधु सुधा जी महाराज साहब इसी घर की लाडली बेटियां हैं और उन्होंने ये खुशियां दी हैं। देखिए बेटियां कितनी खुशियां देती हैं। आजकल लोग बेटियों के जन्म होने पर अपने आप को बड़ा दुखी मानते हैं, किंतु आज यदि इस पिंपल गांव में प्रीति सुधा जी महाराज साहब जैसी लाडली बेटी पैदा नहीं होती थी तो आज जगत के लिए खुशियां और ये हंसी का मौका ये आनंद का मौका हम लोगों के लिए नहीं मिलता था। इसलिए हम बेटियों का होना अपने आप के जीवन में अभिशाप नहीं वरदान समझ करके चले और ये वरदान हमारे लिए प्रीति सुधा जी के रूप में मिला है। इसको हम आज मौका है, मोह माया धोखा है, त्याग कर लो मौका है। साधु संतों की साक्षी में आकर के हम जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी खुशियां हमारे लिए प्राप्त होंगी। और मैं तो खुशियों को बांटने के लिए ही हुआ, क्योंकि साधु संतों का जीवन सिर्फ खुशियों को प्रदान करना होता है, दूसरों को आनंद देना होता है। जात जूट पृथ्वी सह अग्नि बन रहा है और कष्ट गण साधु सहे और उसे सहे ना जाए। जितने भी कष्ट होती है पृथ्वी सहती है, जंगल सहता है, नदियां सह लेती है, प्रकृति सह लेती है और इसी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए हमारे साधु संत हुए हैं। और साधु संत सिर्फ कष्टों को हंस हंस करके झेलते हैं। हमारे शास्त्र पुराण ही सारे के सारे इसी से भरे पड़े हैं। कभी किसी साधु के ऊपर गज कुमार महामुनीश्वर के ऊपर इसी गजपंथा जैसी नगरी में गजपंथा जैसे क्षेत्र पर एक व्यक्ति ने उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, चूल्हा जला दिया, तो भी हमारे मुनिराज आत्म ध्यान में स्थित होकर के आनंद मग्न होकर के उस कष्ट को झेलते रहे और आनंद के साथ अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये हंसने की कला, ये आनंद का जीवन जीने की कला, ये खुशियों की कला यदि हमें सीखना है तो इन कष्ट सहिष्णु साधु संतों से हमारे लिए सीखना चाहिए। क्या लेते हैं? अंजलि भर के लेते हैं, दलिया भर लौटाते हैं, एक बार थोड़ा सा लेते हैं, दिन भर दूसरे के लिए अपने जीवन की खुशियों को बांटते रहते, दूसरों का दुख दर्द मिटाने का कार्य यदि कोई करते हैं तो हमारे साधु संत महात्मा लोग करते हैं। ऐसे साधु संतों का मिलना इनका समागम होना ये बड़े पुण्य से ही होता है। इसलिए तो कहते हैं हमारे हास्य कलाकार भी कभी कभी बताते हैं कि एक घड़ी आधी में भी आ गए कीजे संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आप थोड़ी देर के लिए क्यों ना, जैसे अपने जीवन का आनंद हमारे लिए
घर में सारी फैसिलिटियां हो, सब कुछ हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किंतु यदि घर में थोड़ी सी अपने जीवन में शांति ना हो तो वही घर हमारे लिए बेकार लगता है। ठीक, हमें शांति चाहिए, तो शांति के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम अच्छे से अच्छा भोजन करें, किंतु उस भोजन में सब कुछ हो किंतु उसमें थोड़ा सा नमक ना हो तो सारे भोजन का मजा किरकिरा हो जाता है, किंतु उसी भोजन में यदि थोड़ा सा नमक आ जाए तो हमें उस भोजन का आनंद आता है। ठीक, हमें अपने जीवन में भी यदि खुशियां चाहिए तो सब कुछ फैसिलिटी है, सब कुछ हमारे बीच में है, किंतु यदि थोड़ा सा धर्म रूपी नमक, थोड़ा सा धर्म हमारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारा जीवन खुशियों का जीवन बन जाएगा, हंसने हंसाने का जीवन बन जाएगा, रोना रुलाना ये काम सिर्फ पापियों का है, पाखंडियों का है, ये काम उन लुच्चे लुच्चे लुटेरे बदमाशों का है जो हमेशा रोते रहते हैं, दूसरे को रुलाते रहते हैं, स्वयं कष्ट में है, दूसरे को कष्ट देते हैं, स्वयं पाप की सजा भोगते हैं, दूसरों को भी पापों में डालते हैं। ऐसे कार्य तो कोई भी पापी कर सकता है, किंतु हंसाने के कार्य ये कोई बिरले पुण्यात्मा जीव करते हैं। आप महावीर की शरण में आओ, महावीर ने हंसना सिखाया है, 24 तीर्थंकरों ने हंसना सिखाया है, हमारी जिनवाणी, हमारा जिनागम हमारे लिए हंसने की, खुशियों को लाने की कला सिखाती है, और इस खुशियों की कला को सिखाने वाले हमारे सबसे बड़े लाफ्टर योगा इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक आज हमारे बीच में है, जो आज से योगा की बौछार करेंगे, श्री मदन लाल जी कटारिया साहब, जिनकी खुशियों को हम देखेंगे, आनंद कैसे लेना चाहिए, हंसते हंसते योगा कैसे करना चाहिए, कैसे ध्यान में डुबकी लगा के आत्मस्थ होना चाहिए, ये हमारे लिए ये लोग बताते हैं। ये खुशी का क्षण आएंगे हमारे बीच में, भाई श्री चिराग जी जय, लपेटे में नेताजी खैर, ऐसे ऐसे हास्य कवि श्री चिराग जी भी हमारे बीच में मदन जी कटारिया हमें दिखलाई पड़ रहे थे, कितना सुंदर उनका चेहरा ही हमारे लिए बताता है, बस खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, ऐसी प्रतिभा मिलना, ऐसी सीरत मिलना, ऐसी सूरत मिलना, ऐसा सौंदर्य मिलना, और सौंदर्य के साथ हंसने वाली कला, हंसाने वाला ज्ञान मिलना, ये कटारिया जी आप जैसे व्यक्तित्व में पाया जाता है। सही जीवन का आनंद लेना है तो हम आनंद ऋषि के शिष्यों से सीखे हैं, और उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है। भाई मदन लाल जी कटारिया साहब को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज हमारे श्रोता वर्ग आपके लिए बहुत देर से वेट कर रहे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में अपनी बात करते हुए मैं कटारिया जी को सबके सामने लाऊंगा। मैं लाना चाहता हूँ श्री भाई चिराग जी जय, लपेटे में नेताजी खैर, एक ऐसा व्यक्तित्व मत है, इतनी छोटी उम्र में आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भाई चिराग जी ने नाम कमाया है। ये भगवान महावीर के सिद्धांतों का जीवन में अनुकरण करने का एवं साधु संतों के आशीर्वाद पाकर के दूसरों को हंसाने की प्रेरणा और हंसाने की कला दूसरों को बताने का सुपरनाम है कि इतनी छोटी उम्र में भाई चिराग जी जय आज पूरे विश्व के नक्शे पर दिखलाई पड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी विद्रोही, द्रोह तो कभी है ही नहीं, विगत द्रोहा यस्य सा विद्रोही, जिसको कभी किसी प्रकार का विद्रोह द्वेष भाव नहीं है, सभी से प्रेम है, फिर भी विद्रोही कहते हैं, ऐसे सुप्रसिद्ध हास कवि वीरेंद्र जी हमारे बीच में आएंगे, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ हमारे सुमन जी सौरभ के लिए, एक बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध कवि हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारी नम्रता जी जैन जो सुप्रसिद्ध हास्य कवि है और हमारी जैन समाज की गौरव भी है, मैं नम्रता जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम की आयोजक सबसे पहले मैं उसे स्मरण दिलाना चाहूंगा, हमारे भारत वर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा के कार्याध्यक्ष एवं अनेक संस्थाओं के विश्वस्त कार्यरत एवं सोशल कार्य करने में जिनकी बहुत अधिक अभिरुचि है, ऐसे जिन्होंने अपना बचपन से लेके अभी तक का जीवन सिर्फ समाज सेवा, जन सेवा, गुरु सेवा में व्यतीत किया है, ऐसे हमारे भाई पारस जी लोहारे,
पारस 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 जिसको हमेशा पारस रस ही टपकता रहता है, रस ही बांटता रहता है, जहां भी चला जाए वहां समाज में फंक्शन में कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम करता है, वो तो सबसे बड़ा कलाकार है। पारस भाई तुम सबसे बड़े इंटरनेशनल कलाकार, एक तो बिना पूंजी के, ये ऐसा सच्चा मारवाड़ी है कि ही लगे ना फिर करे, कुछ लगाना नहीं, कुछ करना नहीं, दो पैसे का खर्चा नहीं, और सभी के लिए ऐसा खुशियों में ला देता है, ऐसी खुशियां बांटने का काम करता है। ये विरासत में भाई पारस जी तुम्हें मम्मी पापा से मिला हुआ आशीर्वाद और साधु संतों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आप हमेशा ही समाज के लिए कुछ नया परोसने का, समाज को कुछ नया देने का कार्य करते हैं। मैं पारस जी वाड़े को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रवीण जी आपको भूल नहीं सकता हूँ, ये सभा बांधना, ये सभा के साथ साथ समाज को एकत्रित करके निरंतर उनके लिए मंत्र मुक्त बना करके उन्हें अपनी वाणी सुनाते रहना, उन्हें सभा में बैठा करके रखना, ये कार्य यदि कोई अच्छी तरह से कर सकता है तो हमारे भाई प्रवीण जी लोहाड़े कर सकते हैं। तो प्रवीण जी लोहाड़े ये कोई कम व्यक्तिमत्व नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है। मैं आज के इस मंत्र विचार चलो के अनुष्ठान के शुभ अवसर पर हमारी आज मंत्र अनुष्ठान की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, जो आनंद है, जो खुशियां हैं, वो सभी श्रोता वर्ग के लिए प्राप्त हो, ये आशीर्वाद देकर के मैं भाई पारस जी प्रवीण जी को पुनः ये मंच सौंपता हूँ। आइए आज हंसी की बौछारें, अब खुशियों की बौछारें समाज के बीच में हम बातें, इससे बड़ी और क्या अनुष्ठान होगा, खुशी तो चाहिए है। आज कोरोना से ग्रसित लोग बेचारे पैसे खर्च करके दवाइयां खा करके स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बाल ब्रह्मचारी वैशाली दिन दिन का गुरुदेव आज हमारी सुगर पहले टेस्ट कर लो और फंक्शन होने के बाद फिर टेस्ट करना। मैं कहती हूँ कि आपकी सुगर जो है आज शाम को 250 के ऊपर नहीं आएगी, तो ये बात सच है, इसमें कोई गलत नहीं है, और ऐसा होता ही है, क्योंकि जब हम खुशियों में डूब जाते हैं तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे दुखों को मिटाने वाली दवा के कलाकारों को हम आमंत्रित करें। मैं ये पूरा मंच भाई प्रवीण जी पारस जी आपको सौंपता हूँ, मेरा पूरा आशीर्वाद है, कार्यक्रम होने तक मैं उपस्थित हूँ व्यवस्थित। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी को देव नाम चिराग है। दिल वाले व्यक्ति ने भारत के दिल प्रवीण भैया आपकी आवाज प्रवीण भैया आवाज प्रवीण जी म्यूट हो गए। नाम चिराग है, भारतवर्ष के दिल दिल्ली में इस दिलवाले ने जन्म लिया। यह व्यक्ति अपने आप को अनन्य साधारण प्रतिभाओं से इसने स्वयं प्रकाशित किया। ये ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है जिसने सब टीवी में वाह वाह क्या बात है के माध्यम से समूचे भारतवर्ष के लिए मैं चयन इसका परिचय दिया है। NDTV में अर्ज किया है, जब आता है तो निश्चित रूप से हमारे चिराग भाई की याद वहां पर आ जाती है। जू न्यूज का कवि सम्मेलन हो, न्यूज 18 इंडिया पर जब लपेटे में नेताजी आ जाते हैं, तो मैं पुनः कहूंगा चिराग जी बिल्कुल चिराग लेकर के प्रश्नों को ढूंढ कर लाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब नेताजी रेड लाइट लगाकर भी दे नहीं पाते। स्टार वन पर जब लाइव लाइव इंडिया लाइव को हम देखते हैं तो चिराग जी के प्रतिभा का परिचय उसमें होता है। न्यूज नेशन का चकलूस हो, आज तक का कवि सम्मेलन हो, न्यूज 24 का होली के रंग हो, या दूरदर्शन पर काव्य गोष्ठी हो, आकाशवाणी की काव्य गोष्ठी हो, इसमें आपके शब्दों की जादू का निश्चित रूप से समूचे विश्व के लिए परिचय होता है। महुआ टीवी पर वाह कवि जी, बिग मैजिक पर हंसी के फव्वारे लेकर आप आ जाते हो,
तो एबीपी न्यूज के कवि सम्मेलन में आप जैन होने का परिचय देते हुए जैन धर्म की गरिमा को बढ़ा देते हो। आप इंडिया न्यूज पर होली कवि तो दबंग पर बहुत खूब मैं अपने आप को चमकाते हो, ऐसा कवि हमारे जैन धर्म का व्यक्ति है, इसकी निश्चित रूप से हमें अभिमान है। हमारे चिराग भाई को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें विश्व हिंदी काव्य सम्मान हो जिस तंजानिया सरकार ने 2020 में दिया था, हिंदी गौरव सम्मान हो जो न्यूयॉर्क में आपको प्राप्त हुआ था, भाषा दूत सम्मान हो जो दिल्ली सरकार ने आपको देख करके आपकी प्रतिभा का वहां पर सम्मान किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सारस्वत सम्मान से आप सम्मानित हो, साथ में रोटरी क्लब ने शब्द वादक सम्मान हो, लेखक सम्मान हो, हिंदी भारत विकास परिषद का हिंदी सेवा सम्मान हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का काव्य हृदय सम्मान हो, ऐसे अनेक सम्मानों से आपको तराशा गया है, आपको प्रशंसित किया गया है, आपके प्रतिभा को वहां पर आपकी प्रतिभा के लिए आपको सम्मानित किया गया है। समय बहुत कम है और मैं चिराग जी को सुनना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ी कर रहा हूँ। आइए शब्द प्रभु के चरणों में चलते हैं, शब्द प्रभु के पास चलते हैं, शब्दों के शहंशाह के पास चलते हैं। आपने तो अनेक देश को यात्रा की है, लेकिन आज परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के समुचरण में आपकी प्रस्तुति का सौभाग्य आप पा रहे हो। आइए चलते हैं हंसी के हंगामे के लिए। चिराग जी जय चिराग जी। जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुवर के चरणों में शतवार नमोस्तु। और बहुत दुनिया भर में जाते हैं, बहुत लंबा परिचय दिया प्रवीण भाई ने, पर आचार्य श्री क्या होता है, दुनिया में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक ओढ़ा हुआ काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपने परिवार में आकर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ कमाना था वो इस एक पल में हमने कमा लिया। स्वयं आचार्य परमेश की अगर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं तो फिर एक जैन श्रावक होने के नाते इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मेरे परिचय में केवल इतना भी बता दिया जाता कि आज आचार्य श्री ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, इतना परिचय मेरे लिए पर्याप्त था। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम लोग हंसाने का काम करते हैं, हम में और साधुओं में एक बड़ा अंतर होता है। हम लोग दुनिया के होठों पर ठहाके रखते हैं और साधु दुनिया के मन में प्रसन्नता रखते हैं। तो भीतर जब प्रसन्नता घटित हो जाती है तो चेहरे पर वो तेज होता है जो हमारे संतों के चेहरे पर होता है। और वैसे भी जैन धर्म तो पागलों का धर्म, हंसने के लिए थोड़ा पागल होना बहुत जरूरी होता है। और जैन धर्म क्यों पागलों का धर्म है, एक बात कहना चाहता हूँ अपने लिए विशेष रूप से, अगर आप लोग उसके लिए सहमत हो तो इस म्यूट माध्यम पर जिसमें आपकी आवाज पर तलवार गिरा दी गई है, आप केवल अपने चेहरे की भंगिमाओं से हमें सूचित करें कि हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। जैनियों में और पूरी दुनिया में ये अंतर है कि पूरी दुनिया में जब त्योहार मनाए जाते हैं, जब उत्सव मनाए जाते हैं मदन जी, तब वहाँ नए नए कपड़े पहने जाते हैं, और हम जैनी ऐसे पागल हैं कि हमारे यहाँ कोई कपड़े उतार देता है तो उत्सव मन जाते हैं। तो हमारा अलग चलने का रिवाज है, हम अलग तरीके से चलने के लिए जाने जाते हैं। और मैं क्योंकि परिवार में बैठा हूँ और समय बहुत अधिक नहीं लूंगा, वैसे भी बड़ों के सामने बोलना अशिष्टता होती है, मैं केवल औपचारिकता के लिए अशिष्टता कर रहा हूँ। आचार्य श्री की अनुमति से चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, परिचय देता हूँ दुनिया में और हमें क्या अंतर है। कि जो कामयाब हो जाए जरा वो बदगुमान हो जाता है, जो फूल गया सत्ता मद में मूर्ख समान हो जाता है, जो लक्ष्मी के पीछे भागे वो अर्थवान हो जाता है, और लक्ष्मी जिसके पीछे भागे वो वर्धमान हो जाता है। तो हम उनके वंशज हैं जिनके पीछे लक्ष्मी भागती है, हम उनके वंशज हैं जो तन पर एक रुमाल नहीं रखते और माला माल पीछे पीछे भागते हैं कि महाराज जी एक बार नजर उठा कर दे। तो हम अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके से जीते हैं, कभी सम्मेलनों में जाते हैं लिफाफों पर झगड़ा करते हैं, पेमेंट के लिए कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हो जाए, मारवाड़ी आदमी तो प्रयास रहता है कि एक कार्यक्रम में दो की पेमेंट हो, क्योंकि एक बार पारस जी ने बुक कर लिया तो दो का एक में निकाल भी लेंगे, तो मारवाड़ियों के यहाँ फंसने पर हमारा बैलेंस भी बराबर हो जाता है। लेकिन इसलिए प्रणाम करता हूँ कि मेरे सम्मानों की फेहरिस्त में एक रिक्तता थी, एक खलिश थी, एक कमी थी कि मेरे परिवार का नाम उस फेहरिस्त में नहीं था जो आज पारस जी ने जुड़वाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और पुनः आचार्य श्री को नमस्ते करता हूँ। जय जी। कुछ हंसी के ठहाके सुनना चाहेंगे, कुछ खास विशेष जिससे इस सभा में हम जो चाहते हैं सभी लोग आज का दिन इसे हास्य दिवस के रूप में मनाए, कुछ पंक्ति आप
क्या होता है भाई साहब, शादीशुदा आदमी जो होता है ना वो ज्यादा देर हंस नहीं सकता। तो मेरी तो 6 साल पहले हो गई भाई साहब, ज्यादा उम्मीद ना करें। और जितना हंस पा रहा हूँ ये भी इसलिए है क्योंकि संत सामने बैठे हैं तो कोई डर नहीं है, ज्यादा होगा तो मैं भी कपड़े उतार के महाराज जी के साथ बैठ जाऊंगा। नहीं सच में ऐसे ऐसे सवाल करती है भाई साहब कि दुनिया में कोई माइका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैंने कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हाथ बोलकर रह लिया कर, कभी कोई बड़ा श्रेष्ठी घर आ जाए तो उसका सम्मान कर लिया कर। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। तो अगली गिफ्ट दे रही है, गिफ्ट से ही काम चलाना पड़ रहा है। और वैसे भी हम दिल्ली के लोग हैं, हम लोग राजनीति को इतने करीब से देखते हैं कि हमारे पास ज्यादा हंसने की संभावनाएं बचती नहीं है। पूरी दुनिया में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके। हम दिल्ली वाले हैं, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना रखा है। तो हमारे यहाँ अलग तरीके की स्थितियां हैं। और आजकल तो कमाल ही है, वो आडवाणी जी चले गए शपथ ग्रहण समारोह में, तो वेटर ने उनसे पूछ लिया सर आप क्या लेंगे, बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जलजीरा ही लिया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबको जलजीरा पिला रखा है। एक तीसरा दल रह गया उसको और अर्घ चढ़ा देता हूँ। बीच इलेक्शन में कांग्रेस ने नई महासचिव लॉन्च की और फिर बयान दिया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी हमारा स्वरूप का हिस्सा है। मैंने कहा तो फिर अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं। और एक चीज और बता दूं, ये जो कोरोना शोरोना है इससे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए चीन ने पूरी दुनिया से बदला लिया है। पूरी दुनिया के लोग चीन के लोगों को चिढ़ाते थे कि तुम्हारी नाक चपटी है, तुम्हारी नाक चपटी है। अब चीन ने पूरी दुनिया को एक ऐसी बीमारी दे दी कि सालो मास्क लगा लगा के तुम सबकी नाक भी चपटी होती। और चीन से घबराने के लिए कोई विशेष कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन की जितनी आंखें खुलती है ना उतनी तो हमारे यहाँ प्रार्थना में बच्चे खोल कर खड़े हो जाते हैं। हमारा अलग किस्म का देश है, हम लोग किसी से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हम अपना खुद ही इतना बिगाड़ लेते हैं कि कोई और हमारा क्या बिगाड़े। हम इस मामले में बहुत आत्मनिर्भर लोग हैं। और वैसे भी अंजुम रेवड़ जी ने 4 पंक्तियां कहीं आचार्य श्री के चरणों में निवेदित करता हूँ, 4 पंक्तियां कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। उन्हें सलाम करता हूँ, जय हिंद जय जिनेंद्र। मैं एक निवेदन चिराग भाई ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों के बाद भाभी जी के साथ बैठे हो। भाभी जी को तो नहीं पीना है लेकिन भाभी जी के साथ बैठे हो ऐसा आपके बोलने पे से लग रहा है, क्योंकि मेरे बाजू में मेरी धर्म पत्नी बैठी है तो मेरे भी शब्द बाहर नहीं निकलते। आपने बोलने की हिम्मत कर ली, बहुत बढ़िया। मैं भाभी से 20-22 किलोमीटर दूर बैठा हूँ इसलिए इतने निकल पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा 6 साल पहले आपके जीवन में जो आई है वो आपके बगल में ही वहां पर बैठी। नहीं, आइए, बहुत 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 सुंदर आज हमारा दिन। प्रवीण जी से एक मिनट में लगा। प्रवीण जी, चिराग जी ने महावीर जयंती पर एक बहुत ही सुंदर एडिशन ये निकाल रहे हैं। मैं चाहूंगा चिराग जी स्वयं इसकी जानकारी हम सभी को दे, और इसमें एक विशेष चीज भी ये इंक्लूड कर रहे हैं, क्या है उसका, क्या खास है ये सब हमारे सामने रखे, ऐसा मेरा निवेदन है चिराग जी से। मैं एक पत्रिका निकालता हूँ कवि ग्राम, जिसमें कवि सम्मेलन से जुड़ी और कविता से जुड़ी वो तमाम जानकारियां होती हैं जो घटित तो हुई लेकिन उनका दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया। तो उसका 6 अंक हम निकाल चुके हैं, उसके लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस समय, मतलब जिन तक हम भेजते हैं उन्हें, और उसके बाद आगे कितना फॉरवर्ड होता है वो हम नहीं जानते। उसका मेरा मन हुआ कि उसका 1 अंक महावीर जयंती विशेषांक निकले, तो उसका जो अगला अंक अभी इस महीने की आखिरी तारीख को आएगा वो महावीर जयंती विशेषांक है, जिसमें भगवान महावीर पर, जैन धर्म पर और जैन पूजाओं में जो हमें साहित्य पढ़ने को मिलता है, हमारे साथ क्या पूरी दुनिया के धर्म के साथ एक विशेष समस्या ये होती है कि हम धर्म को सीमित कर देते हैं। धर्म के पास जो उपलब्धि होती है उसे हम किसी एक थप्पे के साथ जोड़कर उसे समाज तक, पूरी दुनिया तक फैलने से रोक देते हैं। हमने यही अपने महापुरुषों के साथ भी किया, किसी ने बुद्ध को हाईजैक कर लिया, किसी ने महावीर को हाईजैक कर लिया, किसी ने गांधी को हाईजैक कर लिया, किसी ने नानक को हाईजैक कर लिया, जबकि ये इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि इनके पीछे जो चल पड़े वो इनका हो जाए। तो मैंने कभी 2 पंक्तियां लिखी थी कि जैन वो नहीं है बस नाम में लिखा हो जैन,
जैन वो है जिसके विचार जैन हो गए। तो महावीर जयंती विशेषांक का उद्देश्य यह है कि उसने जैन धर्म के पास क्या ऐसा खास है जो पूरी दुनिया के पास जाना चाहिए वो उसने इकट्ठा किया है। और उसमें एक बहुत खास बात यह है कि लगभग 65 वर्ष पूर्व साहिर लुधियानवी जी ने एक नज्म लिखी थी भगवान महावीर पर। वो नज्म लुप्त हो गई क्योंकि हम लोग सहेजना नहीं चाहते, हमारी प्रवृत्ति रहती है कि हम अपना अपना दिखाएं, हम सहेज ना पाएं। तो वो नज्म लुप्त हो गई, कोई एक कागज का टुकड़ा मुझे पड़ा मिल गया जिससे वो नज्म थी, वो उर्दू में थी, मैंने उसे हिंदी में ट्रांसलेट करवाया और वो पूरी नज्म यथावत। उसमें बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो दिगंबर नहीं मानते, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जो श्वेतांबर नहीं मानते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तेरापंथी नहीं मानते, लेकिन वो समग्र जैन समाज का जितने भी पंथ हैं उनका अध्ययन करके साहिर ने वो नज्म लिखी। तो मैंने उन विवादित हिस्सों को हटाए बिना उस नज्म को यूं का यूं उस पत्रिका में शामिल किया है ताकि हमारे पंथ के जितने रास्ते हैं वो सब उर्दू के लोगों ने साहिर लुधियानवी जैसे शहर में कैसे देखा वो हम एक पूरा अंक निकाल रहे हैं 40 पेज का, जिसमें जैन साहित्य और जैन समाज की बहुत विशेष जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। गुरुदेव, चिराग भाई के बारे में बता दूं कि आप तंजानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब से, नेपाल, बेल्जियम, नेदरलैंड, हांगकांग, मकाऊ, ओमान ऐसे देशों में जाकर अपने शब्द सम्मेलन के साथ निश्चित रूप से भारत का परिचय इन देशों में करवा दिया है। इनके कलम से बहुत सुंदर सुंदर काव्य भी बाहर आए हैं जिसमें कोई यूं ही नहीं छूटता का जो उनका सबसे पहला काव्य संग्रह था निश्चित रूप से उनके परिचय का साधन है। उसमें उनके शब्दों की बौछार हमें दिखाई देती है तो मन तो गोमुख है जब वो कहते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रतिभा का परिचय होता है। एक लघु शोध है जागो फिर एक बार, काव्य संकलन है पहली दस्तक दूसरी दस्तक, छूकर निकली है बेचैनी एक गीत संग्रह आदरणीय चिराग जी का प्रकाशित हुआ है और कविता लाल किले की प्राचीर से। बड़े सुंदर शब्दों में बड़े सुंदर अंदाज में आदरणीय चिराग जी लिखते हैं और 100 साल 100 कविता है, कविता है, कवि सम्मेलन एक और आपका काव्य संग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। मैं पुनः कहूंगा कि अपने आप को प्रतिभाशाली, इस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने ऐसा तराशा है कि जो आज जैन समाज की नायक दौलत के रूप में समूचे विश्व के लिए परिचित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, हे स्वामी, इस व्यक्तित्व के लिए आपके आशीर्वाद निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व को और पुनः पुनः ऊंचा उठाएगी, अतः आपके आशीर्वाद इन्हें प्रदान करें और आपके मुखारविंद से आदरणीय चिराग जी का आप सम्मान करें। परम पूज्य चिराग जी हमारे जैन समाज के एक जलता हुआ चिराग ही है, जिसे कहना चाहिए कि यह चिराग जैन समाज के लिए कैसी रोशनी दे रहा है, ऐसा प्रकाश दे रहा है, ऐसी खुशियां और ऐसे आनंद के क्षणों को बांट रहा है जिसमें हमारे जैन समाज ही नहीं समूचा देश, समूचा विश्व इन खुशियों में, इस आनंद में अपनी अपने कमों को भूल जाता है। और इस कमों को भुलाने वाले ऐसा यह शख्स जो अभी सिर्फ 6 साल पूर्व ही अपने दाम्पत्य जीवन में, ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया है और जब 6 साल पहले अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की है तो चिराग तुम्हारे जीवन में वो खुशियां बनी ही रहेंगी क्योंकि माता पिता ने आपके लिए जो नाम दिया है बहुत ही अच्छा चुनकर के नाम दिया है और ऐसा नाम विरल लोगों के लिए प्राप्त होता है। मैं तो आपके नाम के पीछे का हेतु जब देखता हूँ तो निश्चित रूप से आज मुझे ये भरोसा विश्वास हो गया है कि आप हर एक व्यक्ति के जीवन में बुझे हुए दीपकों को जलाने का आप काम करेंगे और आप एक चिराग बनकर के पूरे संसार भर में रोशनी फैलाएंगे। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आपके द्वारा होने वाला यह मैगजीन निश्चित रूप से सबका कल्याण करेगा, सबके लिए खुशियों की बौछारें बांटेगा। ऐसे श्री चिराग जैन दिल्ली के लिए जिनकी कविताएं, जिनकी विदेश यात्राएं, जिनका टीवी प्रसारण, जिनके विशेष संदर्भ, अभी हमने सब कुछ श्री प्रवीण जी लोहाड़े के मुखार बिंदु से सुना है और ऐसे चिराग जैन के लिए मैं क्या आशीर्वाद में दूं। वो खुद ही एक ऐसा चिराग आशीर्वाद में मिला है समाज के लिए कि जहाँ दिव्य प्रकाश फैलेगा। फिर भी आज मैं भाई पारस जी लोहाड़े, प्रवीण जी लोहाड़े आयोजनकर्ताओं के माध्यम से, नमोकार तीर्थ के माध्यम से जो ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है
और निश्चित रूप से मैं भाई चिराग जी को कह दूं कि आने वाले दिनों में यहाँ का अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा उसमें आपको अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं करानी है बल्कि पूरे कार्यक्रम की गरिमा को आपके लिए जन जन तक पहुंचाने का साहसी कार्य यहाँ से संपन्न करना है। इस अवसर पर आपकी प्रतिभा और आपके कर्तृत्व व्यक्तित्व को देखते हुए मैं आज समूची जैन समाज के समक्ष आपके लिए नमोकार रत्न की मानद उपाधि से नमोकार रत्न इसलिए क्योंकि नमोकार ये हमारा प्राण है, नमोकार हमारा मूल है, नमोकार हमारी संस्कृति है, नमोकार जहाँ है वहाँ जैन धर्म है, जहाँ नमोकार है वहाँ जैनत्व की पहचान है। अतः आज से हमारे हास्य कलाकार भाई श्री चिराग जी जय नमोकार रत्न चिराग जैन के नाम से जाने जाए। मैं उनके लिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और वे निरंतर और जो मोमेंटो आइए आज के इस सभा में मैं आपको परिचय करूंगी। आज के सभा में आदरणीय नमोकार्तिक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय नीलम जी अजमेरा, आदरणीय ललित जी पाटनी, आदरणीय महावीर जी गंगवाल, संतोष जी काला, आदरणीय संतोष जी पेंडारी नागपुर से, ये सारे गणमान्य गण आज उपस्थित है, मैं उनका भी नमोकार तीर्थ की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस आयोजन में सन 1995 में मात्र पांच लोगों के साथ लाफ्टर योगा क्लब का जिन्होंने निर्माण किया और पांच लोगों का ये कारमा आज विश्व भर के 16,000 क्लबों में परिवर्तित हुआ। आइए इस प्रतिभा का परिचय कराने के लिए करवा लेने के लिए मैं यहाँ पर लाफ्टर योगा क्लब महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्षा डॉक्टर सुषमा दुगड़ इनसे निवेदन करूंगा कि अपने खास अंदाज में हंसते हुए हंसी के फवारे डॉक्टर मदन जी कटारिया का यहां पर परिचय प्रदान करें। जय जिनेन्द्र सबको। हा। सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि पारस रोहट भैया के कारण आज हम आप एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जूम होने के कारण दिल्ली के और अलग अलग विभाग के जो लोग आए उनका मैं स्वागत करती हूँ। और यदि डालियां ना होती तो फूल लटकते रहते हैं, और यदि श्री देवनी नंद जी जैसे गुरुदेव नहीं होते तो हम भटकते रहते, और हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया जैसे नहीं रहते तो हम हंसते ही नहीं, हम रोते ही रहते। सचमुच में डॉक्टर साहब का एक कुछ शब्द में, क्योंकि मुझे मेरे से उनसे उनको थोड़ा ज्यादा 5 मिनट टाइम देना है, कि हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया इज द फाउंडर ऑफ द लाफ्टर योगा इंटरनेशनल, एंड उन्होंने सिर्फ केवल 5 व्यक्ति में बॉम्बे में अंधेरी में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 13 मार्च 1995 इस दिन उन्होंने पहला लाफ्टर क्लब किया। बाद में इस लाफ्टर क्लब की इतनी अच्छी सबको इसका महत्व सबको ध्यान में आया, और इसमें सिर्फ हंसी नहीं है, इसमें योगा है और उसका फायदा सबको, हंसते हंसते हम योगा करते हैं, कपालभाति प्राणायाम सब उसमें होता है। तो ये सब उन्होंने भारत को नहीं सिखाया तो 118 देश विदेशों में उन्होंने उसका प्रचार किया है और कर रहे हैं। और वो आज नासिक शहर में, पहले उन्होंने बॉम्बे में बहुत प्रचार किया, बाद में बेंगलोर में 10 साल थे, और अभी आपको कहने में मुझे आनंद होता है कि नासिक शहर में वो आए हैं और इधर वो हास्य नगरी बना रहे हैं, बहुत बड़ा उनका प्रकल्प है। मैं अभी ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ क्योंकि हमको हंसना है, बहुत बहुत हंसना है, और आज का दिन सिर्फ हंसना नहीं है, आज हंसी नहीं, हम तो बोलते हैं ईच मोमेंट में आपको हंसना है, जब यू आर इन ट्रबल यू लाफ डबल, Your problem will vanish like bubble, ऐसे हमारे गुरु कहते हैं। तो मैं भी इन शब्दों में विराम लेती हूँ और हमारे महागुरु
लाफ्टर महागुरु डॉक्टर मदन मदन जी कटारिया तथा माधुरी कटारिया उनकी धर्म पत्नी है, दोनों मिलके बहुत देशों में जाके उन्होंने जो प्रचार किया है कर रहे हैं उनके उनको मैं शुभकामना देती हूँ। आप सभी के सभी को मैं वापिस प्रणाम करती हूँ और हमारे भी डॉक्टर मदन जी कटारिया जी को विनती करती हूँ कि वो सबको हंसाए, इतने हंसाए कि वो हमेशा आपको बुलाते रहेंगे नासिक शहर में नहीं और सभी जगहों पे। और ये सब हमारे जैन परिवार है डॉक्टर जी, तो उनका पहचान होना चाहिए, इसीलिए मैंने पारस भैया को जो मुझे उन्होंने आज सुबह में कल फोन किया था तो तुरंत उन्होंने भी हाँ बोल दी और केवल ये झूम के कारण हो रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत झूम को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू और प्रवीण लवाड़े जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर मदन जी कटारिया साहब से एक छोटा सा निवेदन मेरा ऐसा है कि हमारे बीच में कभी वीरेंद्र जी जैन ज्वाइन हो चुके, यदि आपकी परमिशन हो, क्योंकि वे कुछ समय के बाद उन्हें कवि सम्मेलन में कहीं जाना है, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं उनको पहले यहाँ पर आमंत्रित कर लूं। जी डॉक्टर साहब बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको बहुत देर तक हमको सुनना है, बहुत देर तक सुनना है। आइए चलते हैं कवि जैन वीरेंद्र विद्रोही के पास। इनके बारे में कहा जाता है कि करुणा रस से भरा हुआ ये व्यक्तित्व है, मन संचालन जिनकी बहुत बड़ी ताकत है, आध्यात्मिक स्थितियों पर हो या जैन दर्शन पर हो, जब आपके मुखारविंद से शब्दों की झड़ी लगती है तो सुनते ही रहने का दिल करता है। आप आदर्श विवाह के भी संयोजक हो, दिगंबर जैन समाज में सदैव एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आप सबके परिचित हो, भारत चैनल हो, साधना चैनल हो, यू न्यूज हो, इस पर भी आपके अनेक कार्यक्रम का प्रसारण हुआ है और रक्तदान करना आपका विशेष शौक रहा है। जब भी किसी को रक्तदान की रक्त की आवश्यकता होती है तो आप जीवन दान के रूप में रक्तदान करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी हमारे साथ आज उपस्थित है। आइए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके शब्दों में आज के इस हास्य कवि सम्मेलन हमें बांधे। परम आदरणीय श्री कवि जैन वीरेंद्र जी विद्रोह। प्रवीण जी, मैं आप सभी को बता दूं, वीरेंद्र जी और हमारे जो तीनों कवि नम्रता जी, वीरेंद्र जी और सुमन सौरभ जी, ये तीनों ट्रेन में सफर कर रहे हैं, एक कार्यक्रम समाप्त कर आ रहे हैं और उनका नेटवर्क बार बार टूट रहा, इसीलिए हमने मदन जी कटारिया जी को बीच में थोड़े से समय के लिए रोका था, लेकिन वीरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं पहुँच पा रही, वो हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि गुरुदेव उन्हें सम्मानित कर दे क्योंकि हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। वीरेंद्र जी, अगर आप आवाज वहां ऑन करो तो शायद आवाज आ जाएगी। वीरेंद्र जी की आवाज नहीं हमको आ रही, तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो वीरेंद्र जी को सम्मानित करें। श्री वीरेंद्र जी विद्रोही, वैसे तो वीरों के वीर हैं इसलिए वीरेंद्र हैं, किंतु विद्रोही विद्रोही नहीं हो सकते हैं, वो विद्रोह अर्थात द्रोह से रहित हैं, उनके मन में कभी द्रोह आता ही नहीं है, वे कभी किसी से द्वेष करते ही नहीं है, वे तो बहुत अच्छे प्रेमी व्यक्ति हैं, सबसे मित्रता के माधुर्यता के संबंध रखने वाले व्यक्ति है। ऐसे विद्रोही जी जो बिल्कुल अपने काम में और अपने रस से सभी के लिए अपलाभित करते रहते हैं, जिनकी सभाओं में जब लोग पहुंचते हैं उन्हें सुनते हैं तो अपने सारे गमों को भूल जाते हैं और फिर मस्ती में आ जाते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। ऐसे विद्रोही जी आज हमारी जैन समाज की एक हस्तियों में से हैं, वो जहां भी जाते हैं उन क्षणों में उन अवसरों में अपने हास्य कवि रस के माध्यम से जैन धर्म को हंसते हंसते लोगों के लिए सिखा देते हैं, बता देते हैं। ऐसे हमारे विद्रोही जी हैं और विद्रोही जी ने देश भर की अनेक सभाओं का संचालन भी किया है, अनेक आचार्य संघों में आप जब भी पहुंचते हैं तो वहां पर एक वीरेंद्र जी की विद्रोहिता में एक और आनंद की लहर वहां पर अपने आप आ जाती है। ऐसे हमारे वीरेंद्र जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, हम उनको सुने, उनके शब्दों से हम लोग अवगत हों,
तत्पूर्व ही हम उनकी प्रतिभा को जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके विशेष प्रभाव को भी हम जानते हैं। ऐसे श्री वीरेंद्र जी को लिए आज हमारे पारस जी लोहाड़े ने आमंत्रित करके उन्हें जो स्थान दिया है और जैन समाज को सुनने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं भाई वीरेंद्र जी विद्रोही के लिए यहाँ भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप महाराष्ट्र में भी आए और महाराष्ट्र में पधार करके आप नमोकार तीर्थ पर भी होने वाले आयोजन में सम्मिलित होकर के आयोजन में चार चांद लगाए। मैं इस अवसर पर भाई वीरेंद्र जी विद्रोही के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद पूर्वक, जैन समाज का गौरव है वो, हमारी जैन समाज की बहुत बड़ी प्रतिभा है वो, मैं उनके लिए इस अवसर पर उन्हें नमोकार रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हुए उन्हें बहुत 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 आशीर्वाद में प्रदान करता हूँ। भाई पारस जी लोहाड़े, आप उनके सम्मान पत्र को, मोमेंटो को आप उन तक पहुंचा करके सम्मानित करें, इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रवीण जी, हम जिन्हें सब लोग जिनको सुनने के लिए बेताब है, आइए प्रवीण जी अगली आइए। शायद वीरेंद्र जी विद्रोही का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सफर में है, और मैं पुनः एक बार आदरणीय डॉक्टर मदन जी कटारिया साहब की क्षमा चाहता हूँ। वैसे तो जो हंसना और खुशी देना चाहते हैं वो तो बस सदैव हंसते ही रहते हैं और हंसाते ही रहते हैं, तो आइए डॉक्टर मदन जी कटारिया के पास चलते हैं। स्वतः डॉक्टर है, मेडिकल साइंस के बहुत बड़े अभ्यासक है और ये जानते हैं क्योंकि हंसने से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। हंसने के समय में क्रोध नहीं आता है, इन महानुभाव को मैं लगातार देख रहा हूँ, लगातार हंसने की कोशिश में लगे हुए, हंसाने की कोशिश में लगे हुए, क्या बात है, बहुत सुंदर है। आइए हंसते हुए हंसने के लिए चलते हैं हंसी के हंगामे डॉक्टर मदन जी कटारिया। जैन समाज के परम पूज्य गुरुजी और मेरे जैन परिवार के सभी माताओं भाइयों बहनों को मेरा हंसी भरा नमस्कार। आज एक बहुत स्पेशल दिन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, यानी खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। लेकिन जरा सोचिए, आज पूरे दिन विद कोरोना जैसे हमारे ऊपर छाया हुआ है, कितने लोग खुश हैं दुनिया में? खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी खुशी किसी ना किसी कारण से जुड़ी हुई है और कहीं हमारी अंदर की इच्छा पूर्ति से जुड़ी हुई खुशी है। एक खुशी आती है फिर दूसरी शुरू हो जाती है, तो इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे में एक और प्रकार की खुशी है जिसमें जिसका शास्त्रों में जिक्र किया गया है, जिसे कहा गया है सत्चित आनंद, कि खुशी आपके अंदर है, आनंद आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो आज ज़्यादातर लोग खुश इसलिए नहीं है कि उनकी खुशी का कारण कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में 1995 में हमने एक प्रयास किया कि बाहर खुशी जोक्स ह्यूमर कॉमेडी से जो हंसी जो आती है वो असली हंसी नहीं है, वो किसी ना किसी कारण से जुड़ी है और किसी का मजाक उड़ा के कभी कभी कुछ नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन हंसी का फायदा हमने रिसर्च में ये पाया कि जब तक आदमी 10-15 मिनट तक लगातार नहीं हंसता है तब तक आपके शरीर के अंदर वो केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं तो आपको हंसी के लाभ नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में हमने हास्य योग का आविष्कार किया कि हंसी को अकारण बना दिया। अकारण हंसी, बच्चे हंसते हैं और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में हंसी चली जाती है, हमारे कारण से जुड़ जाती है। तो ऐसे में हमने हास्य योग का जो आविष्कार किया था 1995 में, जिसमें हम बिना कारण ग्रुप में हंसते हैं और जब शुरू शुरू में नकली हंसते हैं
तो असली हंसी एक दूसरे को देख के अपने आप आने लगती है। तो ऐसा एक एक्सरसाइज बना दिया हमने। और सबसे बड़ी बात क्या हुई हंसी योग में कि हंसी अपने आप में एक प्राणायाम है। जब आप हंसते हो आपकी फेफड़ों की गंदी हवा बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और इसके बदले में आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है जिससे आप स्वस्थ हो जाते हो। इसके अनेकों फायदे हैं आज पूरे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, आपके शरीर को आपके दिमाग को पता नहीं चलता है कि आप असली हंस रहे हो या नकली हंस रहे हो। तो हंसी को एक व्यायाम बना देना अपने आप में प्राणायाम के जैसा एक हमने जो एक विधि बनाई, उससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें योग क्या है। हंसी के अलग अलग व्यायाम और योग से लिया गया प्राणायाम उसको मिला के बनता है हास्य योग, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आप स्वस्थ हो जाते हो। इससे आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से एक ऐसा रसायन पैदा होगा जिससे आपको एंडोर्फिन कहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति। अभी कोरोना काल में हमारे हास्य क्लब वाले दिन रात जूम पे हंस रहे हैं हम लोग, और बहुत कम लोगों को कोरोना का विकार हुआ है हमारे हास्य परिवार में। कोई कम से कम 30-35 लाख हमारे अनुयायी हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें किसी को भी कोरोना ने टच नहीं किया। मेरी खुद की बता रहा हूँ कि पिछले लगभग 25 साल से मैं हास्य योग कर रहा हूँ, एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं पकड़ा है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, पहले मुझे 4-5 बार हो जाता था, पेशेंट से कभी लग जाता था। तो इससे रोग प्रतिरोधी शक्ति बढ़ेगी, माइंड का बैलेंस बनता है। तो हास्य योग अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रणाली है, ऐसी चिकित्सा है, लेकिन आज तक किसी को पता ही नहीं था कि हंसा कैसे जाए। तो चलिए मैं आपको कुछ हास्य व्यायाम कराता हूँ, आप हमारे साथ भले म्यूट रहे कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हंसते जाइएगा। तो हास्य की पहली हंसी है नमस्कार हास्य, हाथ जोड़िए और हल्का हल्का हंसते जाइए एक दूसरे को देखते हुए। हंसने का प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं। चले नकली से ही आप हंसिए। यहाँ तक के हम लोग झगड़ा भी करते हैं तो हंसते हुए करते हैं, इसको बोलते हैं तू मैं हंसी। जरा आप मेरे पास कैमरा लाइए, तू मैं हंसी कैसे करेंगे। चलिए लंबा सांस लीजिए, श्वास लंबा खींचिए, रोकिए 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 रोकिए। तो जैसा मैं आपको हंस के बता रहा हूं, इसको सीखने के लिए 2 दिन भी नहीं लगते हैं। जैसा कि आप लाफ्टर ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हंसने की आदत पड़ेगी, बार बार हम हंसते हैं तो हंसना बहुत ही आसान है। और ये हंसी जो आपने देखा कि मैं लगातार हंस रहा हूँ, इससे आपके शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक चीजें होती हैं। एक बड़ी मजेदार हंसी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का या मोबाइल का बिल आ गया, ऐसा हाथ करिए आप, उस बिल को देख के हंसेंगे। चलिए तो इस तरह से हमने फेफड़ों के 3 भाग होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। तो एक एक लोब को ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है उसका एक व्यायाम है। उल्टा नमस्ते करिए ऐसा, और अपने पीछे ले जाइए ऐसा, लंबा सांस लीजिए, होल्ड करिए, हंसिए। तो ऐसा पर्वत आसन होता है। तो
तो हमारे फेफड़ों के जो मिडल लोब होता है उसको ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाने के लिए एक पर्वत आसन है हमारा योग में, हाथ जोड़िए ऐसा और लंबा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाइए, रोकिए 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 तो लंबा सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और हंसते हुए छोड़ेंगे सांस को, लंबा सांस ऊपर लेके जाइए, रोकिए रोकिए तो इस तरह से हमने बहुत सारी हंसी को प्राणायाम से जोड़ करके लंबा हंसते हुए इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और फिर हमारे हास्य योग में अंदर की हंसी को कैसे प्रकट किया जाए, आपके स्वभाव में कैसे चेंज आए, जैसे हमारा एक प्रशंसा हास्य है कि अगर आप दूसरों की प्रशंसा करोगे तो आपको भी खुशी होगी, सामने वाले को भी खुशी मिलती है, तो इस तरह से हमारा प्रशंसा हास्य होता है दूसरा है एक गुरु हास्य। गुरु में बोलते हैं कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, एक हाथ ऊपर रखिए, मैं दूसरे की गलतियों से भी सीखता हूँ और इसको लेफ्ट राइट करके आप हमारे साथ हंसते जाइए तो जितनी आपको तकलीफें आएंगी, जितनी आपको मुसीबतें आएंगी, उतना ही आप मजबूत हो जाते हो। तो इसके लिए हमने एक हास्य बनाया है कि प्रॉब्लम से डरना नहीं, जितनी प्रॉब्लम आती है आ जाओ इससे आप मजबूत हो जाओगे फिर हमने एक हास्य बनाया है कि आपकी जितनी प्रॉब्लम होवे उसका जूस निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक हाथ लीजिए, प्रॉब्लम को इकट्ठा कीजिए और ऐसा करके कान में डाल दीजिए ऐसा, दूसरी प्रॉब्लम और इकट्ठी करके दूसरे कान में डाल दीजिए और अभी सब प्रॉब्लम दिमाग में इकट्ठी, एक ग्लास नीचे रखो और उसका जूस निकाल दो हंसते हंसते एक और निकाल फिर हम बीच बीच में क्या बोलते बच्चों के जैसे, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ वक्त के लिए 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए एक बच्चे के जैसे बन जाओ। बच्चे कैसे मस्ती करते हैं, तो हम बच्चों के बच्चे हम बच्चों की तरह हंसते हैं, मस्ती करते हैं और बीच बीच में हम लंबे गहरे श्वास लेंगे, उससे प्राणायाम से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो ऐसा हमारे हजारों हास्य क्लब चल रहे हैं जिनका संचालन किया जाता है। इसके लिए हम ट्रेनिंग देते लोगों को कि विधि पूर्वक इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे इसको आप इसका लाभ ले सकते हो। तो इसके लिए हमने जूम पे भी हम सुबह 7:30 बजे आधे घंटे तक पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो अगर आपको भी हमको ज्वाइन करना, डेली हम 7:30 बजे और शाम को 6 बजे हमारा हास्य क्लब होता है, तो आप भी हमारे से जुड़ सकते हैं। आधा पौना घंटा आप दिल खोल के हंसेंगे, तो आपको इसके पहली बात है कि रोग प्रतिरोधी शक्ति, टेंशन स्ट्रेस नहीं कम होने से आप जल्दी से बीमारी नहीं पड़ोगे, लेकिन अगर कोई रोग है तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ऐसा हमने रिसर्च किया है। इससे आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। अभी इससे अच्छी दवा कौन सी है, बोलते हैं 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। तो इसके साथ ही मेरा एक अभी साउथ अमेरिका में एक और प्रोग्राम आने वाला है, तो इसके लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुरुजी प्रणाम, और आप सब लोगों की खुशी हंसी बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मदन जी कटारिया। वास्तव में ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य क्लबों का निर्माण हुआ है, योग क्लबों का निर्माण हुआ है,
16,000 क्लब पूरे विश्व में चलते हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है विश्व भर के कई ऐसे गणमान्य हैं जो अमेरिकन व्हाइट हाउस के सदस्य है, जो अलग अलग देशों के संसद के सदस्य है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे कई लोग इस हस्त योग से जुड़ करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे औरंगाबाद महानगर में भी हमारे जैनियों का बुजुर्गों का एक ग्रुप है, शायद उसका नाम भी लाफ्टर ग्रुप ऐसा कुछ ग्रुप है। ये लोग सवेरे सवेरे बगीचे में आदि जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, वहां बैठकर खूब हंसते हैं। उसका परिणाम ऐसा होता है कि वो दिन भर बिल्कुल शांत और बहुत ही आनंदित नजर आते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को पुनः कह दूं कि परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनाथ जी गुरुदेव की मंशा ही है कि वो हर व्यक्ति को खुशी दे, हर व्यक्ति के पास हंसी लेकर के जाए, हर व्यक्ति को हंसी दे। मैं पुनः एक बार, वैसा तो बार बार इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं जब परम पूज्य आचार्य के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि दिगंबर जैन संत 24 घंटे में एक बार आहारचर्या करता है, मात्र एक ही बार, उसी समय पानी लेता है, उसी समय सब कुछ करता है। डॉक्टर साहब, आचार्य श्री की शुगर कितनी होनी चाहिए? 400 से 550 के बीच उनकी शुगर चलती है। वो एक बार अपना आसन लगा लेते हैं तो 8-8 घंटे तक अपने आसन से तो उठते नहीं है। ऐसे संत मात्र खुशी और आनंद के साथ ही अपने आप को इतना मजबूत रखते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। और जब जैनत्व हंसी को लेकर के अनेकान धर्म को लेकर के विश्व का भ्रमण कर रहा है, तो निश्चित रूप से हंसी के हंगामे तो विश्व भर में चलने ही चलने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस बार जो थीम बनाई है, क्योंकि हर साल इस दिन को मनाने के लिए थीम बनाई जाती है, कोरोना ने पूरे भारतवर्ष को ही नहीं तो समूचे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। कोरोना की वजह से समूचा विश्व डरा हुआ है, और इस डर में यदि कहीं पर सुकून मिल सकता है तो हंसने में सुकून मिल सकता है, खुशी में सुकून मिल सकता है, ये हम सब जानते हैं। मैं आपको कह दूं, भूटान नाम का एक छोटा सा देश 2013 में भूटान में खुशी की दौड़ में इस खुशी को ढूंढा गया, और भूटान में आज के दिन 20 मार्च को सार्वजनिक राष्ट्रीय अवकाश होता है, और सारे लोग अपने घर में बैठ करके खुशी से ठहाके लगाते रहते। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन की जो थीम बनाई है, शांत रहिए, दयालु रहिए और बुद्धिमान रहिए, और ये तीनों चीजें यदि हमें लानी है तो हमको सदैव हंसना पड़ेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। आइए हम पारस भाई के पास चलते हैं, ये बंदा न जाने कब क्या कर जाएगा। आज तो मतलब परसों के दिन हम दोनों साथ में थे, लेकिन परसों तक इसने बताया नहीं कि 20 तारीख को हम क्या करने वाले। परम पूज्य सारस्वताचार्य देव उनकी गुरुदेव का जब समोषण लगेगा, तो वो समोषण में क्या होने वाला है इसका अंदाज तक मुझे एक घंटा पहले तक नहीं था, लेकिन हमारे पारस ने ना जाने वो क्या है और कैसा है पता नहीं, लेकिन उसके पास चलते हैं और पारस भाई से निवेदन करते हैं कि अगले कार्यक्रम की ओर हमें लेकर चले। पारस भाई, पारस भाई जी आइए। मैं अभी हमने गुरु के गुरु महागुरु हसी के गुरु को सुना, अब उनके चेले जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे इस हास्य योगा को पूरे देश में फैला रहे हैं ऐसे, और जिनको आप काफी देर से हंसते हुए देख रहे हैं, वो राजेंद्र जी भंडारी हमको थोड़ा हंसाएंगे। इसके बाद सुषमा जी दुगड़ और नासिक हास्य योगा के अध्यक्ष एडवोकेट पेखड़े, ये तीनों एक के बाद एक हमको हंसाएंगे और कुछ ना कुछ नई योगा सिखाएंगे। आइए चलते हैं राजेंद्र जी भंडारी जी की ओर। राजेंद्र जी अपना फोन अनम्यूट करें। राजेंद्र जी फोन अनम्यूट करें। फोन, हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। वेरी गुड, सबको प्यार भरो नमस्ते। सिर्फ चार लाइन में आपको हंसी की कीमत बताता हूं मैं। भूल जाओ बीता हुआ कल, दिल में बसा लो आने वाला पल, मुस्कुराओ गाओ जो भी हो पल, खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल।
हमें एक पता है कि पुराने जमाने में वो यारों के महफिल में मुस्कुराते पल, वो यारों के महफिल में मुस्कुराते पल, दिल से जुदा है अपना बीता हुआ कल। कभी जिंदगी गुजरती थी हंसने हंसाने में, आज वक्त गुजरता है कागज की नोट कमाने में। इसलिए हम तो कहते हो हसीये हसीये दिल खोल के, ऐसे ऐसा समझे कि हमारे मुंह में जीभ लगाई हुई है और जीभ का जो नॉब है वो हाथ में पकड़ी है, अभी जीभ बंद है। ओके, जब जीभ हम खोलते हैं तो चेन खुलती है, ऐसे जब चेन खुलती है तो हंसना। वापस बंद कर दीजिए, सभी ने एक साथ मेरे साथ प्रयास कीजिए, जरा हंसी के ठहाके के साथ। यस, हाथ में नॉब पकड़ी है जीप का, रेडी 1 2 स्टार्ट। देखिए, हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारे विचार तो भटकने वाले, जब हम हंसते हैं तो हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता है। इसीलिए हम ऐसा कीजिए, आप कौन सी भी भाषा में बात कर लीजिए, कौन सी भी, तमिली, उर्दू, कन्नड़ी, एक पे हाथ बात कीजिए और हंसिए सबने एक साथ। जब गप्पे मारिए एक में के साथ अलग अलग भाषा में, अपना गुस्सा निकाल लीजिए, देखिए। एक बात मैं वापस आपको कहना चाहता हूं कि श्रद्धा में जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान है तो भगवान हमसे दूर नहीं, ओठों पे मुस्कान है तो इंसान हमसे दूर नहीं। जिस संघ ने हमको बोलने का मौका दिया, इस वास्ते हम सबके बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद। आइए, आप सभी से निवेदन है, इनके दूसरे और महाराष्ट्र राज्य के हास्य योगा के अध्यक्ष, जो पिछले 10 वर्षों से भी ज्यादा पूरे देश में अलग अलग हास्य क्लबों को प्रतिनिधित्व कर रही है, और मुझे बड़ा गर्व है कि पिछले 10 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ, इनको देख रहा हूँ, प्रतिदिन सुबह अलग अलग हास्य क्लब में जाकर लोगों को हंसाने का प्रयास करती है, ऐसे सुषमा जी दुगड़ और इनके साथ में इनके, सुषमा जी आपका आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ, इनके साथ में एडवोकेट बापना जी इनके साथ में है, दोनों मिलकर हमें हंसाने का प्रयास करेंगे और योगा भी सिखाएंगे। चलो अभी हमको थोड़ा हंसना है, एक बात सुनिए, आपको दिल खोल के हंसना है, बिल्कुल अभी आज तो हंसी की खुशी की दिन है, खुशी का दिन है, आपको सबको हंसना है, यदि आप म्यूट हो तो भी आपके लिए आपकी हंसी आपको आनी चाहिए। तो मैं सबको विनंती करती हूँ, सब महिलाओं को विनंती करती हूँ, महिलाओं कैसे हंसती है, अपने दांत भी नहीं दिखने चाहिए, तो हमको अभी बिल्कुल बिल्कुल खुशी खोल के हंसना है, और अपनी हंसी जितनी अच्छी आप जितने लगाएंगे उतना आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो हम दो तीन हंसी प्रकार बताते हैं, उसमें एक मैं बताती हूँ कि आप तालियां बजाओ, तालियां बजाना से बजाने से भी और उससे भी एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है, तो आपको सिर्फ ऐसी ताली बजानी है, एक जो दिखते हैं मेरे इस जो अपने हाथ तले पे जो उंगली है इसके ऊपर जोर से करते हुए हो
तो इससे हमें क्या होता है पता करो, पहले पता करो, जैसे हो तुम्हारे पेट पेट पे हाथ रखो और जोर से बोलो हो 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 हो, ए हंसते हंसते कपाल भाती होती है, हो हो देखो हाथ ऊपर करने से हंसने से अपने जो ब्लड अपना इधर से, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने दमा टीबी और इसमें मैं अभी भी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के बहुत पेशेंट देखती हूँ, सब बोलते हैं मैडम तुम 60 के आबो हुए अब अंदर नहीं जाना, तो भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती है क्योंकि मैं रोज हंसती हूँ, आपको भी नहीं होगी, जितने हम हंसेंगे उतने हमारी प्रतिरक्षा शक्ति अच्छी बढ़ेगी, इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी। तो जैसे हाथ ऊपर करने से हमारे जो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और हमारे मस्तिष्क के ऊपर सब खून जाता है और इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। कोई बोलता है ऐसा कि हंसने वाले हम बहुत हमको बोर हो गया, ऐसे कोई बोलते नहीं, हंसने से हमको अच्छा ही लगता है। तो आपको हाथ ऊपर करना है, गर्दन ऊपर करनी है और जोर से हंसना है, और एक बार देखो आप जितना, मैं थोड़ा साइंस बोलती हूँ, जितना आप लंबाएंगे हंसी उतना अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, इसमें सब साइंस है, ये हम लाइटली नहीं करते हैं। जितना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा हमारा जितना गंदी हवा है बाहर जाएगी और हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, तो हमको बहुत जोर से हंसना है और एक बार और एक बार और देखो सिर्फ हाथ ऊपर नहीं करना है, गर्दन भी ऊपर करनी है, इधर थायराइड रहता है, थायराइड वो हमारा रिपोर्ट कंट्रोल है और एक बार और एक बार अभी आपको डीप ब्रीदिंग करना है, जैसे हम बहुत हंसते हैं तो कूलिंग भी होना, डीप ब्रीदिंग ऐसा नहीं हंसना है, कौन को हंस रहे ऐसा नहीं, ऐसा मुंह पे नहीं हाथ रखना है। और देखो डीप ब्रीदिंग कैसा करना है, बड़ी लंबी सांस लो, उसको रोको, एक दो तीन चार, धीरे से सांस छोड़ो, सांस छोड़ते समय ऐसी आवाज आनी चाहिए, धीरे छोड़ना है, वापस एक बार, 1 2 3 4 5, मेरी आवाज आती है, हमारे गुरुदेव भी करते हैं, उनके लिए हम क्लैप करेंगे, हो हो हा हा अभी सिर्फ एक हास्यता कर लेती हूँ और अपने जीवन में परिवर्तन रहता है, एक कोरोना भी जाने वाला है, थोड़ी देर रहेगा, जीवन हमारा परिवर्तनशील है, तो ऐसा हाथ रखना है, एक बार यहाँ देखना है हंसना है, एक बार यहाँ देखना है हंसना है, कभी सुख कभी दुख, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। जिसने एक्सेप्ट किया वो सुखी है, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो हमेशा दुखी है। और एक आखिरी का बोलती हूँ, हमारा ये ब्रेन है, हमारा ये ब्रेन है, इसमें हम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये लड़की ऐसी इसने मुझे ऐसा बोला, बहुत बहुत हमारे दिमाग में रखते हैं, तो ब्रेन वॉश करना है हमें, ब्रेन वॉश लाफ्टर, नाम क्या है, ब्रेन वॉश लाफ्टर। तो आपको क्या करना है, ब्रेन विदाउट सर्जरी हमको निकालना है, ऐसा करके देखो सर्जन को बुलाना नहीं है, ब्रेन निकालना है, आ हा 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 हा
बने तो खुश तो हो जाएगा। देखो आ आ आ धन्यवाद, बहुत समय दिया हमारे बाप ने जी, लाइन लफ्तर करके बताएंगे। बाद में हमारे पेखरे जी 5 मिनट करेंगे, हमारे अध्यक्ष है नासिक हस्ते समन्वय समिति के एडवोकेट पेखरे और बाप ना जी सदस्य है, लाइन लफ्तर को बहुत अच्छे करते हैं और बताएंगे। क्या बात है, गुरुदेव सबको नमस्कार प्रणाम। सुषमा जी ने बोला वैसे मैं प्रयत्न करता हूँ, जैसे लायन लाफ्टर में ज्यादा में ज्यादा अपने जीभ जो है बाहर निकालने की, और दोनों जैसे पंजे रहते हैं एक पंजे से ऐसे जो शेर जो रहता है जो लायन रहता है वो पंजे से मारता है, तो ऐसा करना हमको, और जीभ जीभ बाहर निकालने ज्यादा में ज्यादा जितनी निकाल जाए, जैसे सुषमा जो का निकाल रहे देखो अभी, और आंखें ऐसी बड़ी करनी है और हंसना है जोर से इससे क्या होता है, इधर थायराइड, इससे क्या होता है, ये जो थायराइड है इसके ऊपर प्रेशर आता है, थायराइड की बहुत बीमारी बहुत जनों को है, वो बीमारी कंट्रोल में आएगी तो आप हमेशा लायन लफ्टर करो, और ये जो हमारे स्मॉल जॉइंट होते हैं उसके उसके ऊपर भी अच्छा एक्सरसाइज होता है। अभी हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे का टाइम हम पेखरे जी को देंगे। धन्यवाद पारस जी, गुरु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपने हमें जो समय दिया इसलिए बहुत मैं आपके आभारी हूँ। मैं आश्चर्य क्लब के सभी लोगों को बोलूंगा आप यही बने रहिए, आपको गुरु जी का आशीर्वाद भी लेना है, कोई जाइएगा नहीं, हम चलते हैं वसंत जी पेखरे के पास जो नासिक हास्य क्लब के अध्यक्ष हैं, और उसके पश्चात हम आचार्य श्री का आशीर्वाद सभी के लिए सुनेंगे। नमस्ते नमस्ते, आज के दिन जो हैप्पी डे जो है इंटरनेशनल, उसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, और आचार्य जी और हमारे महागुरु डॉक्टर मदन करके इनको वंदन करता हूं, और आज जिन हास्य कवियों का सम्मान किया है मैं उनको अपने दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। और जब हमारे महागुरु जी ने बोला है कि लाफ्टर क्या है, लाफ्टर जब 1995 ने शुरू किया तो जो लाफ्टर योगा है दैट इज कनेक्टेड टू प्राणायाम, जैसे अभी बापना जी ने बताया लायन लाफ्टर, योगा में लायन जो योग करता ऐसा ही लायन लाफ्टर है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है कि लाफ्टर योगा में या प्राणायाम में दीर्घ यानी डीप ब्रीदिंग करना, रुक जाना फिर डीप फिर छोड़ देना, ये सांस ये मेन मूल तत्व है। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो एक लाफ्टर का प्रकार है जो हमेशा सब लाफ्टर क्लब खत्म होने के टाइम करते उसको बोलते हैं ग्रेडियंट लाफ्टर, यानी कंटिन्यूस लाफ्टर, यानी एक दो मिनट के ऐसी हंसते हंसते रहना, यानी वो हमारे गुरु उनको जो इसका रिसर्च किया है उसको ये जो है ग्रेडियंट लाफ्टर, इट इज एक लाफ्टर मेडिटेशन। तो आप सब शुरू कर दिए आहिस्ता आहिस्ता हंसी करने का और उसको बढ़ाने का और कंटिन्यू रखने का, रेडी 1 2 4 सब हंसी है वेरी गुड। अभी जो कोरोना चल रहा है हम तो अभी 1 साल हो गए हम ग्राउंड पे लाफ्टर योगा नहीं करते, लेकिन हमने जूम पे बहुत धमाल मचा था साल भर, हम ऑनलाइन लाफ्टर योगा जैसे डॉक्टर कटर है सवेरे वैसे हम लेते थे
दिसंबर 31 तक फिर हमने बंद किया, फिर अभी फिर कोरोना बढ़ गए थे वो भी हम चालू कर दें। तो इसमें जो कोरोना की जो पोजिशन है, हमेशा हर कोई डॉक्टर या हर कोई टेक्नीशियन क्या बोलता है कि यू हैव टू इम्प्रूव योर ऑक्सीजन योर इन योर लंग। तो हम अपनी जो ऑक्सीजन की मात्रा जो ऑक्सीमीटर बताते हैं डॉक्टर लोग, हमारे डॉक्टर दुगट मैडम वो तो चेस्ट किए डॉक्टर है, तो ऑक्सीमीटर में बोलते हैं उसका 95 ऊपर आपका ऑक्सीजन चाहिए। आप रोज हंसो आपका ऑक्सीजन लेवल कभी भी 95 के नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो पूरा पूरा ऑक्सीजन अंदर जाता है और आप छोड़ते। तो इसका और डॉक्टर कटरजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि लाफ्टर शुड बी विदाउट रीजन, यानी बिना कारण हंसना है। कि हम योग पे हंसते हैं, डॉक्टर साहब ने योग पे बैठते किसी के अपन निंदा नालस्ती करते, और कोई भी जोक हो आप एक बार हंसेंगे दूसरे बार हंसेंगे लेकिन तीसरी बार नहीं हंसेंगे। इसलिए लाफ विदाउट एनी रीजन, तो हंसते रहो हंसते रहो और जितना हो सके रोज सवेरे ग्राउंड पे जाके हंसना बहुत जरूरी है। वैसे हम घर पे भी हंस सकते हैं लेकिन घर में बोले कि आप पागल हो गए, लेकिन जब आप साथ में जाएंगे, साथ में हास्य क्लब में जाएंगे, एक अलग 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 फैमिली हो जाती है। और हम यानी खाली हम अकेले नहीं, हमारा सब फैमिली फैमिली बैकग्राउंड हो जाता है और फैमिली को हम खुश रखते, हम हंसते दूसरों को हंसते। इसलिए हमारा ब्रीफ हंसो दूसरों को हंसाओ, दूसरे के ऊपर मत हंसाओ, सिर्फ हंसो आनंदी रहो और हंसते रहो। यही मैं सबको आप दुआ करता हूँ। और जब भी लाफ्टर योग का कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी लाफ्टर योग आपको ज्वाइन करना हो तो हमें जरूर संपर्क कीजिए, मुझे यहाँ लाफ्टर योग करने की इजाजत दी। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अभी अभी महोदय ने कहा कि ऑक्सीजन लेवल, बात सही है, जब हम आपस में बात करते हैं तो जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं यदि हम हंसते हैं तो उससे 6 गुना ऑक्सीजन देने की क्षमता शरीर की बढ़ जाती है, 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हम हमारे शरीर में लेते हैं। इसलिए हंसने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और परम पूज्य आचार्य श्री भी हमें लगातार कहते हैं कि मैं हर एक व्यक्ति को हंसी देना चाहता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को खुशी देना चाहता हूँ। वास्तव में जब आज परम पूज्य आचार्य श्री स्वतः अपने दोनों हाथ ऊंचा उठा करके वो जैसा जैसा हमारे डॉक्टर कटारिया साहब बोल रहे थे वैसा वैसा जब कर रहे थे, हमारी मनीषा जी दुगड़ बोल रही थी वैसा वैसा कर रहे थे, तो वो देख करके इतनी खुशी हो रही थी और ज्यादा हंसी के फव्वारे उसमें निश्चित रूप से आ रहे थे। आइए, समय की अपनी गरिमा होती है, हंसते रहो खुश रहो, बस यही मनोकामना यहाँ पर आज के इस समय पर मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर मनीषा दुगड़ ने भी हमें कहा है यदि कोरोना से बचना है तो हास्य योगा बहुत आवश्यक है, अतः इस हास्य योगा को हमारे जीवन का हम एक हिस्सा बना लेते हैं ताकि हमारे तक किसी प्रकार का कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की समस्या हम तक नहीं पहुंचे। इसका बहुत सीधा साधा और बहुत आसान तरीका है, हंसते रहो हंसाते रहो खुश रहो खुश रखो। आइए, समय बहुत हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव का मौन प्रारंभ हो गया आपका, फिर भी गुरुदेव से हम निवेदन करते हैं, हे स्वामी आप यदि महामांगलिक देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए संबल प्राप्त हो सकता है। अतः गुरुदेव के श्री चरणों में हम चलते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं। जी जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। दिन है, खुशी का दिन है और ये खुशी का दिन 365 दिन हम लोगों के लिए खुशियां मिलती रहती है। इसके लिए सभी तो धर्म से रहो, अध्यात्म से रहो, शांति से रहो, हंसते, क्योंकि धर्म के बिना कभी हंसी आएगी नहीं। यदि धर्म जीवन में होगा, अहिंसा होगा, सत्य होगा, संयम होगा, तो ही जीवन में हंसी आएगी। जो पापी जीव होते हैं, पापी जीवों के लिए हंसी आती नहीं है। इसलिए सदैव पुण्य कार्य करते रहो, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय,
जितना हम पुण्य के कार्य करेंगे उतनी हमारे लिए हंसी आएगी, हंसी आएगी, एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगा, सब टेंशन सब बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। कोरोना को क्या रोना है, कोरोना को क्या रोना है, उसको बाय बाय करो, हंसो, भगवान की भक्ति करो, खूब भगवान की पूजा पाठ करो, अभिषेक करो, गुरु की सेवा और भक्ति करो। आज के इस अवसर पर भाई मदनलाल जी कटारिया सर हम सबके बीच में उपस्थित हुए। मदनलाल जी कटारिया पूरे अमरीश पुरी दिखलाई पड़ रहे थे, जैसे अमरीश पुरी हो, और बड़े अच्छे लहजे में, बहुत अच्छे मोड में वो हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हुए उन्होंने वाकई में बहुत अच्छे योगा के माध्यम से पूरा पूरा अपने लिए उन्होंने बताया है। और योगा की विधि करते हुए वो पॉइंट हमारे वो हमारे शरीर के सारे लंग्स फेफड़े हमारी सब शुद्धि का हो जाता है। और ऐसे शुद्धिकरण के उपाय उन्होंने जो बताए हैं बहुत अच्छे बताए हैं। मैं मदनलाल जी कटारिया को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और इस अवसर पर उन्हें भी मैं नमोकार रत्न की मानद उपाधि से सम्मानित करते हुए उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और भी हमारे बीच में जो भी उपस्थित हो पाए नहीं हो पाए, अभी बसंत पखेड़ी जी, सुषमा जी लुंकर ये भी यहाँ पर उपस्थित थी। बस बहन जी आप ऐसे हंसते हो, आपकी हंसमुखी है हमारी सुषमा जी। आपने भी हम लोगों को खुश किया है और सबको खुशियां बांटी है, सबने बदल दिए। मनीषा सुषमा को भी गुरुदेव आपके आपके दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा और आज का दिन बहुत खुशी में गया है। सचमुच हम आपको बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं और एवं प्रवीण जी लोहा प्रयास राजेश भैया बड़ी अच्छी चमक को उन्होंने हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। भाई पायल जी लोहे को कहूंगा कार्यक्रम हम लेते रहे हैं, लोग नहीं तो दिन भर कोई कोरोना के आंकड़े गिन रहे हैं सब, आज कौन सी आज कौन सा बेचा है, आज क्या ड्रग्स दिया है देश में, की आज कौन सी संपत्ति बिकी है, सिर्फ इसी के कारण लोग अपना मूड खराब करके बैठे हैं। पायल जी हम जितने नहीं देंगे और धीरे धीरे सारे हमारे मित्र हैं। आवाज बंद हो गया महाराज जी, आवाज बंद हो गया, आवाज बंद हो गया महाराज जी, आवाज नहीं आ रही क्या भैया? हाँ नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, आवाज बहुत कट के आ रही है राकेश भैया वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज कोरोना के लिए क्या रोना है, कोई कोरोना का रोना है घर के बैठे बड़ी उतर पथर चल रही है, कहीं कोई आंदोलन कहीं कोई आंदोलन निरंतर कुछ ना कुछ चल रहे हैं। ऐसे इन आंदोलनों में अब हम थोड़े से बाहर निकले और अपने मूड को हम अच्छा बनाएं और अच्छा बनाने के लिए हम जो है सदैव अब कार्य करते रहें। इसलिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं भाई पारस जी लोहाड़े, आप रविवार टू रविवार संडे टू संडे ऐसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम सभी लोगों के लिए देते रहे, कुछ ना कुछ परोसते रहे तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसी आशीर्वाद शुभकामना के साथ मांगलिक के रूप में नमो हरि हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, ऐसो पंच नमो यारो सब पावप्य नाशनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं हवये मंगलं
சத்தாரே மங்களம் அரிஹந்த மங்களம் சித்த மங்களம் சாஹு மங்களம் கேவலே பன்னத்தோ தம்மோ மங்களம் சத்தாரே லோ குத்தமாரி அந்த லோ குத்தமா சித்த லோ குத்தமா சாஹு லோ குத்தமா கேவலே பன்னத்தோ தம்மோ லோ குத்தமாம் சத்தாரே சரணம் பவஜாமி அரிஹந்த சரணம் பவஜாமி சித்த சரணம் பவஜாமி சாஹு சரணம் பவஜாமி கேவலே பன்னத்தோ தம்மோ சரணம் பவஜாமி ஏஹி சார சரணா பவோ ததே தரணா பவ துக்க ஹரணா சப சௌக்க கரணா மங்களம் பகவான் அர்ஹன் மங்களம் பகவான் ஜினா மங்களம் பிரதமாச்சாரியோ மங்களம் ரிஷபேஸ்வரா அர்ஹந்தோ மங்களம் சந்தோ தவ சித்தாஸ்ச மங்களம் மங்களம் சாதவா சர்வே மங்களம் ஜின சாசனம் மங்களம் பகவான் பீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்து குந்தாத்யோ ஜெயந்த தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜெயதி சாசனம் சர்வ கொரோனா வைரஸ் ரோகோத்ரோ நிவாரணம் குரு குரு ஹோம் பட் சபி கே ஆசீர்வாத் ஹஸ்தே ரோ கேல்த்தே ரோ ஆனந்த சே ரோ சபி கே பாத் பாத் ஆசீர்வாத் ஆயே போலியே பரம பூஜ்ய சரஸ்வதாச்சாரிய தேவகி குரு தேவ கீ ஜெய ஆயே ஆஜ் கே இஸ் சபா கே அந்திம் சரண மே ஹம் சல் ரஹே ஹை மே சப்சே நிவேதன் கருங்கா அப்னி அப்னி ஆர்த்தி கோ ஜலா லே பரம பூஜ்ய குருதேவ் கி ஆர்த்தி ஆஜ் ஹஸ்தே ஹுவே நாச்தே ஹுவே காத்தே ஹுவே பில்குல் தமாக்கேதார் தரிக்கே சே ஆஜ் கோ ஆர்த்தி கர்னி ஹை ஆயே சல்தே ஹை மஹா ஆர்த்தி கா சௌபாக்ய பானே கே லியே ஆவாஸ் ரஹேகி புனா ஏக் பார் ஜபல்பூர் சே சங்கீதா ஜெயன் கி ஔர் பக்தி ரஹேகி ஹம் சப் கி போலியே பரம பூஜ்ய சரஸ்வதாச்சாரிய தேவ் குருதேவ் கி ஜெய ஜெயக்கார குருதேவ் கா ஜெய ஜெய பரம பூஜ்ய ஆச்சார்ய தேவநந்தி மகாராஜ் ஆப்கி ஆர்த்தி करेंगे सभी एक साथ मिलकर के தீட்சா தேயோ தாரா
की कोमलता को देवनंद के पुकारा, धारित रथ पर चढ़ी गई गुरुवर, धारित रथ पर चढ़ी गई गुरुवर मुक्ति बाट निहारे, करके आयत देवनंद जी की मोहित मेरे नस जाए, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, लोक शिखर पा जावे, करके आरत देवनंद जी की मोहित मेरी नस जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्ति पुकारी, आरती मंगल गावे, जय जय गुरुवर भक्ति पुकारी, आरती मंगल गावे, करके आरत देवनंद की मोहित बिर नश जावे, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देव की जय। आज का यह आयोजन नमोकार्तिक ट्रस्ट कार्यकारिणी मंडल के विशेष आग्रह पर यहाँ पर हुआ, पर महासभा की ओर से इस आयोजन को हमारे भारत जी लोहाड़े कार्याध्यक्ष इन्होंने किया। आज के इस आयोजन में नमोकार्तिक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय नीलम जी अजमेरा, महाराष्ट्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष तथा सम्मेलन शिखर बीस पंथी कोटी के विश्वस्त आदरणीय संजय जी पापड़ीवाल, आदरणीय ललित जी पाटनी, आदरणीय महावीर जी गंगवाल, आदरणीय संतोष जी काला, आदरणीय अनिल जी जमगे, ये सारे गणमान्य गण यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत से गणमान्य गण, विजय जी लोहाड़े भी हमारे बीच थे, पवन जी पाटनी भी हमारे बीच थे, विशेष रूप से हमारी एक बहुत अच्छी गायिका हमारी रूपाली रवि भाई पहाड़े हमारे बीच उपस्थित है। मैं सब नमोकार्तिक ट्रस्ट की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और नमोकार्तिक ट्रस्ट की ओर से भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा की ओर से आप सबको एक शुभकामनाएं देता हूँ कि हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, खुश रखो। भंडारी जी, आपने जो आज आनंद लिया है, निश्चित रूप से हमें भी आपने आनंद भर दिया है। हमारी बहन दुगड़ या दीदी हो या आदरणीय बापना जी हो, आज बहुत ही आनंद आया है, इसको कोई दुराय नहीं। आज के सभा में विशेष रूप से परम पूज्य सुधा, परम पूज्य सुधा प्रभा जी महाराज साहब, मधुस्मिता जी का भी विशेष रूप से, हाँ जी मधुस्मिता जी महाराज साहब, हाँ मधुस्मिता जी महाराज साहब, इनका विशेष रूप से आज की सभा में यहाँ पर आगमन रहा। जैन समाज की गान कोकिला के रूप में आपको समूचा भारत वर्ष जानता है, और आपकी मंशा है कि ये जो जैन है, इस जैन शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। यह जैन श्वेतांबर दिगंबर तेरा पंथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जैन एक जैन होना चाहिए, तो ये हंसी और बढ़ जाएगी। भंडारी जी, आपको भी इसमें बहुत बड़ी पहल करना है और सारे जैनियों को एक साथ लाना है, इसमें कोई दोराय नहीं। मैं पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आज की सभा को यहाँ पर संपन्न करता हूँ। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। सभी को जय जिने, पुनः कल मुलाकात होगी शाम 7:30, तब तक के लिए जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद हास्य लाफ्टर योगा क्लब इंटरनेशनल का, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। तो सुषमा जी दुगाड़, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने हास्य योगा को पूरे नासिक शहर में फैलाया है, बल्कि नासिक ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में इसको बहुत शानदार तरीके से फैलाया। मैं खुद इसका साक्षी रहा हूँ, पिछले अनेक वर्षों से मैं इनका कार्य देखता रहा हूँ, और बहुत ही मेहनत, स्वयं एक डॉक्टर है, दमा स्पेशलिस्ट है, इसके बाद भी वो समय निकाल कर लोगों को हंसाती है ताकि लोगों को दमाना हो,
लोग उनके पास ना आए और लोग घर पे ही सुरक्षित रहे। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज का दिन हम सभी के लिए बदल दिया और सही में आज का दिन हास्य दिन रहा, सभी लोग खुश हुए और जिस तरह से लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि हर संडे हमको ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, हास्य पे कुछ ना कुछ विशेष करना पड़ेगा ताकि लोग उत्साहित रहे, प्रफुल्लित रहे और इस कोरोना के वातावरण में लोगों को जीने की एक अच्छी खुशी राह दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करूंगा और फिर कल सुबह मिलेंगे 7:30 बजे श्री जी के अभिषेक द्वारा घर घर अभिषेक सत्यालय में तीर्थों पर होने वाले सभी अभिषेकों का सीधा प्रसारण। और जल्दी अभी मेरे दिमाग में एक और एक आइडिया आई है, मैं सुषमा जी से बात करके जल्दी आपके सामने लाऊंगा ताकि आपका दिन भी खुशी से गुजरे, इसके लिए कोई ना कोई कोशिश जरूर हम करेंगे। मैं जल्दी सुषमा जी से बात करके इस पर हम काम करेंगे। तब तक के लिए सभी को अलविदा, फिर मिलते कल सुबह 7:30 बजे। अलविदा, जय जिनेंद्र, धन्यवाद, शुभ रात्रि।